सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइट बैलेंस के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझे काफ़ी एक दो महीने से बराबर मैसेजेस आ रहे हैं कि सर वाइट बैलेंस पे बनाइए वीडियो, तो फाइनली आज मैं वाइट बैलेंस पे वीडियो बना रहा हूं और आपको मैं आज अच्छे से समझाऊंगा कि वाइट बैलेंस क्या होता है और उसे हम किस तरह से जो है परफेक्टली करेक्ट कर सकते हैं इन कैमरा एंड पोस्ट प्रोडक्शन में। तो ये वीडियो सभी बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे हम वाइट बैलेंस को करेक्ट कर सकते हैं और एक परफेक्ट जो है कलर्स हम अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वाइट बैलेंस होता क्या है। देखिए, मैं आज आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगा कि वाइट बैलेंस को समझ लें और फिर उसे करेक्ट करना भी सीख लें, तो बिल्कुल आसान भाषा में हम ये समझते हैं। तो देखिए, वाइट बैलेंस जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में एक है वाइट पेपर। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि जब हम शूटिंग करते हैं अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में, तो जैसे कि हम एक इंसान है, हमारे पास दो आंखें हैं, इसी तरह जो हमारा कैमरा होता है, जो व्यू फाइंडर होता है, वो उसकी एक तरह से आंख होती है कि हम जब हम वहां से व्यू फाइंडर से ऐसे देखते हैं तो बेसिकली हम देख रहे हैं लेकिन हमारा कैमरा भी उस दृश्य को यानी कि उस सीन को देख रहा है। अब थोड़ा इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमारी आंखें हैं, अगर ये वाइट पेपर मैं मान लीजिए किसी अलग लाइटिंग कंडीशन में देखता हूँ, फ्लोरोसेंट लाइट में, तो भी मैं इस वाइट पेपर को वाइट ही देखूंगा, किसी और कलर में नहीं देखूंगा। या फॉर एग्जांपल मैं इस वाइट कलर को किसी ऑरेंज लाइट या एक ट्यूब लाइट के अंदर या फिर किसी फ्लोरोसेंट लाइट में या किसी और लाइटिंग कंडीशन में भी मैं इस वाइट पेपर को देख रहा हूँ तो भी मेरी आंखें इस वाइट पेपर को वाइट ही देखेंगी। इस तरह अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में अगर मैं इस वाइट पेपर को रखूंगा तो मैं इस वाइट पेपर को वाइट ही देखूंगा। लेकिन जो कैमरा होता है वो हमेशा कंफ्यूज कर जाता है। मान लीजिए इस वाइट पेपर को मैं अगर किसी और लाइटिंग कंडीशन में, मान लीजिए जहां पे बहुत येलो लाइट है, और वहां मैं इस वाइट पेपर को रखूं और अपने कैमरा से एक फोटो लूंगा, तो जो मेरी कैमरा की आंख है वो इसे वाइट नहीं, वो इसे येलो देखने लगती है, क्योंकि कैमरा की आंख जो है वहां पे कंफ्यूज हो जाती है इस वाइट कलर को पहचानने में। और जो भी लाइटिंग जो इस वाइट पेपर पे आ रही है वो लाइट का कलर ही जो है आपका कैमरा भी समझने लगता है। तो ये बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया, यानी कि कैमरे की जो आंख है वो कंफ्यूज हो जाती है, वो वाइट पेपर को वाइट नहीं, जो भी उस वक्त लाइटिंग के कलर्स हैं वो उसको रीड करने लगता है। जब हम उसको करेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वाइट बैलेंस को करेक्ट करना, यानी कि अब हमने जो है ऐसी टेक्निक हम लगाते हैं जिससे कि हमारी जो कैमरा की आंख है वो समझ जाए कि भैया ये तो है वाइट लेकिन दिख रहा है येलो। तो हम एक कैमरा को एक चश्मा पहनाते हैं, उस चश्मे से जो है कैमरा बेसिकली वाइट को वाइट ही देखेगा, तो इसे हम कहते हैं वाइट बैलेंस को करेक्ट करना। तो बहुत आसान भाषा में बताया। अब ये कैमरे को चश्मा क्या होता है, आप कंफ्यूज मत होइए, कैमरे को चश्मे से मतलब ये है कि हम कुछ एक ऐसी टेक्निक लगाते हैं जिससे कि कैमरा जो है वो वाइट को वाइट ही देखे कोई भी लाइटिंग कंडीशन हो। तो जब हमारा कैमरा उस वाइट को वाइट देखना सीख जाता है तो हमारे जो कलर्स हैं वो हमें एकदम ट्रू मिलते हैं और जो है हमारा वाइट बैलेंस एकदम परफेक्ट होता है हमारी इमेज में, जिससे हमारी इमेज जो है वो बहुत ही परफेक्ट कलर के साथ हमें दिखाई देती है। सो बिल्कुल मैं एक बार रिकैप करता हूँ, यानी कि कैमरा जो है उसकी आँख को हमें ठीक करना है ताकि वो वाइट को बिल्कुल वाइट देख पाए। तो अब हम जो है आपको बताएंगे, जो मैंने जैसे कि वीडियो में शुरू में बताया, इसकी दो टेक्निक हैं। पहला तो है इन कैमरा हम इसे करेक्ट करना सीखेंगे वाइट बैलेंस को, और दूसरा हम सीखेंगे वाइट बैलेंस को पोस्ट के अंदर कैसे करेक्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ पीयूष है, अब हम इनका पिक्चर लेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि वाइट बैलेंस के जो आप ऑप्शन, अगर आप निकॉन यूज़ करें तो आप देख पाएंगे, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर होता है ऑटो होता है, इनकैंडेसेंट होता है, फ्लोरोसेंट, डायरेक्ट सनलाइट, फ्लैश, क्लाउडी, शेड, अलग अलग तरह के जो है ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब होता यह है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऑटो वाइट बैलेंस पे शूट करते हैं, वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, बट आपको परफेक्ट वाइट बैलेंस नहीं मिलता है। इसको करेक्ट करने के लिए जो है हमें यूज़ करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये है फ्रेंड्स ग्रे कार्ड। ये ग्रे कार्ड एक तरह का रेफरेंस पॉइंट होता है कैमरा के लिए, और जब हम इसके थ्रू अपना वाइट बैलेंस को करेक्ट करते हैं तो कैमरा जो है एक तरह से, जैसा मैंने आपको बताया, कैमरे की आँख को ये जो करेक्ट करता है ग्रे कार्ड,
18% ग्रे होता है ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा 500-700 रुपए के अंदर, बहुत महंगा चीज़ नहीं है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। तो हम देखेंगे कि कैसे ग्रे कार्ड से हम जो है वाइट बैलेंस को करेक्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, अब मैं पीयूष का एक पिक्चर ले रहा हूँ और मेरी जो वाइट बैलेंस है ये नॉर्मल है और देखते हैं इसमें हमें कैसा पिक्चर मिलता है। लिया एक, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितना, देख रहे हैं आप कलर्स कितने अजीब से हैं। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारा कलर ठीक नहीं आ रहा है। आप देखिए बिल्कुल इमेज जो है रेडिश है, ऑरेंजिश इमेज है, काफ़ी रेड और ऑरेंज कलर है। ये इसलिए फ्रेंड्स कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपका जो वाइट बैलेंस है वो जो है एकदम करेक्ट नहीं है, यानी कि इवन आपने ऑटो वाइट बैलेंस भी रखा है तो भी परफेक्शन के साथ आपको कलर्स नहीं मिल रहे हैं। अब मैं यूज़ करूँगा ग्रे कार्ड। तो जैसे कि मैं निकॉन यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो निकॉन में एक सेटिंग होती है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको जाना है वाइट बैलेंस की सेटिंग में, आपको चूज़ करना है प्रीसेट मैनुअल। जब आप ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसे करिए यहाँ पे ओके। अब ओके करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इधर देखिए प्री लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्री लिखा हुआ आ गया है, इधर मैं थोड़ा सा जला देता हूँ। तो ये देखिए प्री, अब इसको आप यहाँ पे वाइट बैलेंस को होल्ड कीजिए और इस तरह से जो है ये प्री आपका ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये ब्लिंक हो रहा है प्री। तो जैसे ही आप देखेंगे कि प्री आपका ब्लिंक होना चालू हो गया है, यानी कि प्री सेट मैनुअल, वैसे ही हम इस ग्रे कार्ड की एक मैनुअल अपने आपको यहाँ ऑटो फोकस नहीं मैनुअल फोकस लेके आपको एक फोटो लेनी है इस ग्रे कार्ड की, ताकि आपके कैमरे को रेफरेंस पॉइंट मिल जाए। और जैसे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है गुड करके ब्लिंक होगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गुड ब्लिंक हो रहा है। जैसे ही गुड ब्लिंक हो रहा है इट मीन्स आपका वाइट बैलेंस जो है एकदम करेक्ट हो चुका है और अब आप जो है जो भी पिक्चर लेंगे वो करेक्ट वाइट बैलेंस के साथ में आएगी। अब हम जो है अपना वाइट बैलेंस करेक्ट हो चुका है, अब हम जो है एक पिक्चर लेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं पिक्चर हमें कैसी मिलती है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल हमें परफेक्ट शॉट मिला है फ्रेंड्स। और अब आप देख रहे हैं वाइट बैलेंस भी जो है एकदम आपका परफेक्टली हमें इस वक्त स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इमेज को, कितनी अच्छी इमेज हमें मिली है। तो ये एक फ्रेंड्स टेक्निक थी कि वाइट बैलेंस हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा बिफोर जब हमारा वाइट बैलेंस खराब था, आपने इमेज देखी कितनी खराब इमेज मिली थी, और अब हमने जो इन कैमरा ही अपना वाइट बैलेंस करेक्ट कर लिया तो आप देख रहे हैं कि परफेक्ट ट्रू कलर के साथ हमें जो है इमेज अचीव हुई है। तो ये छोटी सी एक टेक्निक थी फ्रेंड्स। अब यही टेक्निक जो लोग कैनन यूजर हैं उसमें कस्टम वाइट बैलेंस होता है, आपको ऐसे ही ग्रे कार्ड से पिक्चर लीजिए जैसे मैंने भी निकॉन में ली है। बट आपको सिर्फ एक काम करना है, वो पिक्चर जब आप खींच के आपके कैमरा में आ जाए तो आपको कैनन में जाना है कस्टम वाइट बैलेंस में और उस इमेज को सेलेक्ट करना है, बस बिल्कुल आपका कैनन के अंदर भी जो है वाइट बैलेंस एकदम परफेक्टली आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसे पोस्ट के अंदर कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग इन कैमरा करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, वो चाहते हैं कि जब हम पोस्ट प्रोडक्शन पे बैठे तो वहाँ हम ठीक करें। तो उसकी टेक्निक भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब पोस्ट में करेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अभी जैसे टेदर शूट कर रहा हूँ, आप बगैर टेदर के भी कर सकते हैं और टेदर शूटिंग में भी, तो मेरा जो कैमरा है अभी मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने लैपटॉप के साथ और जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कैप्चर वन प्रो यूज़ कर रहा हूँ, उसका वीडियो मैं ऊपर लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कैसे सेट करते हैं। तो अब मैं एक फ़ोटो लूँगा यहाँ पर जो कि वाइट बैलेंस बगैर वाइट बैलेंस को करेक्ट की होगी और फिर हम दूसरी फोटो लेंगे जो कि वाइट बैलेंस करेक्ट करने के साथ होगी। तो हम एक फोटोग्राफ लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इसका इंतर से एक हम लेते हैं इनका पिक्चर पोर्ट्रेट और आप देख रहे हैं ये मैंने एक पिक्चर लिया है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितना ऑरेंज रेडिश पिक्चर आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये जो है खराब वाइट बैलेंस है और बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब इसे पोस्ट में हम कैसे ठीक करेंगे। मैं इन्हें सिर्फ एक ग्रे कार्ड अभी दे रहा हूँ, ये अपने फेस पे रखेंगे और एक पिक्चर मैं लूँगा इनकी ग्रे कार्ड के साथ, ये देखिए इस तरह से, और मैंने यहाँ पर एक पिक्चर इनकी ले ली है ग्रे कार्ड के साथ जो कि बिल्कुल वैसी ऑरेंज आई है लेकिन ग्रे कार्ड इनके हाथ में है इस वक्त। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये थी हमारी खराब वाइट बैलेंस और ये जो हमने ग्रे कार्ड के साथ ली ये भी एकदम खराब दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप ग्रे कार्ड के साथ इमेज है। तो जब हमारे पास इमेज जो ग्रे कार्ड के साथ में है ये हमें एक बेनिफिट देती है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में जाना, आप देख पा रहे हैं वाइट बैलेंस पे और यहाँ आप देख रहे हैं आपको दिखेगा पिक वाइट बैलेंस। तो यहाँ से हमें जो है ये यहाँ से इस पिकर को हमें क्लिक करना है और इसे हम सीधा लेके आएंगे ग्रे कार्ड के ऊपर बीच में आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे ग्रे कार्ड के मिडिल में हम इसको रखेंगे पिकर को और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे ही आप देखेंगे वाइट बैलेंस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं अभी क्लिक करता हूँ, ये देखिए तो मैंने जैसे ही क्लिक किया आप देख रहे हैं वाइट बैलेंस एकदम करेक्ट हो गया है। अब जो इमेज आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ट्रू कलर के साथ इमेज हमें इस वक्त दिखाई दे रही है। तो मैं अभी आपको, क्योंकि मैं कैमरा पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी आपको कलर्स बराबर दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो ये है बिफोर और ये है हमारी आफ्टर,
ये है हमारी बिफोर और ये है हमारी आफ्टर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो कलर्स कितने अच्छे से हमारे जो हैं परफेक्ट हो गए हैं। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको पता चला होगा कि ग्रे कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है वाइट बैलेंस को करेक्ट करने के लिए, और आज आपने सीखा कि किस तरह से जो है हम इन कैमरा और पोस्ट के अंदर जो है वाइट बैलेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं आपके मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है आज हमारा नया वीडियो रिलीज हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।